नारायणपुर क्षेत्र के ग्राम सभा करहट में आयोजित आर्मी ग्राउंड पर भव्य दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुई। दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी प्रतिभागी प्रतिभाग करते नजर आए। उक्त प्रतियोगिता में सर्वप्रथम मैराथन 10 किलोमीटर की दौड़ संपन्न हुई, वहीं 1600 मीटर एवं 800 मीटर की दौड़ और बालिकाओं के लिए 3 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक युवा शक्ति आर्मी ग्राउंड करहट ने बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें साईनाथ हॉस्पिटल, डॉक्टर अमित तिवारी एवं महेश यादव श्याम स्टील तथा एग्रो पावर दिनेश मौर्य का सहयोग प्राप्त हुआ। दौड़ प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे राजेश यादव फौजी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनको सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि विनोद यादव, पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन पूजा समिति वाराणसी, विशिष्ट अतिथि सुनील यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति संघ अर्जुन सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल कुश्ती संघ सुनील गुप्ता, भामाशाह जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए आयोजक मंडल का धन्यवाद दिया। यहाँ पे आर्मी ग्राउंड में देख रहे हैं कई वर्षों से दौड़ प्रतियोगिता होती है, क्या उद्देश्य है? हम लोग हर साल दौड़ प्रतियोगिता कराते हैं कि बच्चों में सेना भर्ती के प्रति जोश बने और देश की सेवा में जाए, लेकिन सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया अग्निवीर योजना ला करके जिससे कि युवा आज सेना भर्ती से कतरा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस योजना को समाप्त करें और युवाओं में फिर से जोश बने सेना में जाने के लिए। यानी आपका कहना है कि अग्निवीर की वजह से कहीं ना कहीं आज के युवाओं में निराशाएं आ गई हैं? जी जरूर, अग्निवीर योजना से आज के युवा में बहुत ज्यादा निराशा है। क्या लक्ष्य है आपके इस ग्राउंड का? ये हमारे ग्राउंड से 70-80 फौजी भर्ती हुए हैं। हमारे क्षेत्र में यही ग्राउंड है जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हुआ। आज का ये जो कार्यक्रम होता है वो किसके सहयोग से होता है, कहाँ से ये फाइनेंशियल व्यवस्थाएं या बच्चों को सूचनाएं या ये ग्राउंड की सारी जो मैनेजमेंट है ये कहाँ से संपन्न होती है? ये हमारा ग्राउंड में हमारे आर्मी ग्राउंड परिवार है, इसमें जो हमारे ग्राउंड से भर्ती हुए हैं लोग सेना में, फौज में, उसके बाद मिलिट्री में है, BSF है, CRPF है, मास्टर है, रेलवे में है, तमाम विभागों में लोग हुए हैं। वो लोग प्रतिवर्ष युवाओं में जोश और जुनून करने के भरने के लिए ये सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से हम लोग ये प्रतिवर्ष कराते हैं। जो प्रतिभागी आते हैं वो कहाँ कहाँ से हैं प्रतिभागी? इसमें प्रतिभागी सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ और दो चार प्रतिभागी तो MP से भी आए हैं और तमाम जिला से लड़के आते हैं, इलाहाबाद से भी आए हैं। आयोजन में कितने मीटर की दौड़ रहती है, विजेताओं को क्या है आपके ग्राउंड से, उनको पुरस्कार के रूप में या पारितोषिक के रूप में या कुछ भी कह लिया जाए, क्या प्राप्त होता है उनको? हम लोग हर साल एक 10 किलोमीटर का मैराथन दौड़ कराते हैं, 1600 मीटर की रेस कराते हैं, 800 मीटर कराते हैं और इस बार हम लोगों ने 3 किलोमीटर बालिकाओं के लिए प्रतियोगिता रखा था जी, उसमें बालिकाओं को भी हम लोगों ने प्रथम पुरस्कार के प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी साइकिल ही दिए हैं जी। आपके सहयोगी टीम में कौन कौन रहते हैं, क्या उनका सहयोग मिलता है, उस पर कुछ बताएं? हमारे सहयोगी टीम में जितने हमारे सीनियर लोग फौजी भैया लोग हैं इस कार्यक्रम के समय ही छुट्टी लेकर के आते हैं, अपना 100% देते हैं, उन्हीं लोगों की मेहनत और हम लोगों के छोटे से प्रयास से ये कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। कह लिया जाए तो आज के दौर में एक समाज सेवा की एक नई पहल है आपके इस ग्राउंड से। हाँ, हम लोग हमारे क्षेत्र में जितने भी फौजी भैया लोग हैं सबका एक यही मानना और कहना है कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो कि समाज के लिए उदाहरण बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सर परिचय जानना चाहेंगे? सर आज एक आर्मी ग्राउंड करहट में दौड़ प्रतियोगिता देखने को मिल रही है, आपकी उपस्थिति है, क्या संदेश देंगे इन प्रतिभागियों को? कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार कार्यक्रम, जहाँ से नौजवान और अभी पता चला करहट ग्राउंड से सैकड़ों नौजवान प्रतिभागी की भारत माता की रक्षा में खिलाड़ी साथी समय दे रहे हैं, योगदान विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। साथियों, कार्यक्रम कराने वाले जो आयोजक, जब हम पढ़ाई करते थे स्कूल प्राइमरी स्कूल में तो उस समय एक बात कहा जाता था, खेलोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, लेकिन आज समय उसके ठीक विपरीत हो चुका है।
खेलों को कूदोगे तो होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो भी होगे नवाब। साथियों इसी बात के साथ बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं हमारे यहाँ पे आयोजक मंडल युवा शक्ति संघ के भी सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत। सर जैसा कि इस आयोजक मंडल में कई भी सदस्य ऐसे जो युवा शक्ति से मंच से बिलोंग करते हैं, क्या संदेश देंगे उन अपने टीम के लोगों को, क्या बधाई देंगे आप? क्या बात है, वक्त की नजाकत में आपने अपनी बात कार्यक्रम कराने में केवल 52 सेकंड खत्म कर दी। कार्यक्रम आपको साधुवाद, इस कार्यक्रम की जरूरत है, ऐसे कार्यक्रम आशीर्वचन की कड़ी में को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हम लोगों के विशिष्ट अतिथि के रूप में इसके लिए हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परिचय जानना चाहेंगे मेरा जी। मैं देखिए राजेश यादव ग्राम सभा सिकिया से बिलोंग करता हूँ और इस समय सेना में हवलदार के पद पे हूँ जी। आज सर जैसा कि आर्मी ग्राउंड कैरहट पे आपको अध्यक्ष के पद पे रखा गया है, क्या है कार्यक्रम कुछ बताएंगे? कार्यक्रम यही है कि हम लोग प्रोत्साहन मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं जो 1600 मीटर के फाइनल प्रतिभागी जो इस प्रकार है जो है कि लाल सिंह यादव खेल के साथ साथ सेना में जाकर देश का मतलब रक्षा करें और अपने गांव और समाज का नाम। सुरेंद्र प्रसाद, आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? मेरा युवाओं को यही संदेश है कि ये जो प्रतियोगिता हम लोग करा रहे हैं अरविंद यादव तो उनको मतलब कि युवाओं को आगे मतलब जाने के लिए ताकि वो कोई भी इवेंट हो देश में प्रदेश में जिले पर या जो भी हो उसमें प्रतिभाग करें और अपना गाँव का और अपना नाम और माता पिता का नाम को रोशन करें।